फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी स्टूडेंट विल फोल्ड हिज और हर हैंड्स, वेरी गुड। अगर सादे सरल शब्दों में कहूँ तो आप लोगों को हाथ बांधना है, फोल्ड योर हैंड्स एंड लुक ऑन द स्क्रीन। मोबाइल की वजह से स्क्रीन देखने में कोई तकलीफ हो रही बेटा पीछे वालों को, कुछ दिक्कत, कोई परेशानी? अगर डिफ़िकल्टी हो रही होगी तो इधर हो सकते हैं थोड़ा सा, जकवान और लड़कियाँ उधर की, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, हु आर प्रेजेंट हेयर, बिकॉज टूडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ दिवाली वैकेशन। एंड ऑन द डे ऑफ दिवाली वैकेशन इफ यू आर सिटिंग हेयर टू लर्न समथिंग, टू स्टडी फॉर द स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, यू ऑल द स्टूडेंट्स डिजर्व ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सो क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू फॉर यूर सेल्फ, वेरी गुड। बस बस बस, वेरी नाइस। हमने अपने ही लिए तालियां बजाई है क्योंकि दिवाली वैकेशन का ये पहला दिन है और छुट्टियों में हमें बहुत सारे काम होते हैं, शादी ब्याह, मंगनी, इधर उधर जाना, घूमना फिरना वगैरह वगैरह। उसके बावजूद भी तुम लोग यहाँ पर आए हो तो ये इस बात का सबूत है कि तुम बेदार हो, अवेयर हो। बेदार को इंग्लिश में बोलते अवेयर। एंड यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू, और तुम कुछ नया सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, ठीक है। हाँ, याद नहीं, याद को बोलते मेमोराइज करना, लर्न करना यानी सीखना। मैंने इंग्लिश शुरू में इसलिए कहा बेटा ताकि तुमको पता चले कि पीरियड बदल गया है ना, उर्दू का पीरियड गया है, ख़त्म हो गया है, एंड इंग्लिश का पीरियड हैज़ स्टार्टेड, द पीरियड ऑफ इंग्लिश हैज़ स्टार्टेड। सो ऑन द स्क्रीन इन दिस येलो, व्हाट इज दिस येलो बॉक्स, यू कैन कॉल इट एज ए बॉक्स और ए कैप्सूल। इन येलो कैप्सूल यू कैन सी व्हाट इज रिटन हेयर बेटा, अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट, अपोजिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोजिट? अपोजिट वर्ड्स, यह हमारा आज का टॉपिक है, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। अपोजिट वर्ड, स्पेलिंग भी बड़ी बढ़िया है उसकी। अपोजिट यानी क्या, जैसे अगर मैं कहूँ जमीन आसमान, अर्थ स्काई, अगर मैं कहूँ नज़दीक दूर, हाँ नियर फार, अगर मैं कहूँ नीचे ऊपर, बॉटम टॉप या डाउन और अप, अगर मैं कहूँ सफ़ेद काला, वाइट ब्लैक, अगर मैं कहूँ अच्छा बुरा, गुड बैड, तो ये सब क्या है, ये किसकी मिसालें हैं? ये है अपोजिट वर्ड्स की मिसालें। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अपोजिट वर्ड। अपोजिट यानी उर्दू में इसको हम बोलेंगे जिद, हिंदी मराठी में हम इसे कहेंगे विरुद्ध, विरुद्धार्थी शब्द, विलोम शब्द, यानी जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है, जो मिलते जुलते रहेंगे उसको तो हम सिनोनिम कहेंगे, हम मानी कहेंगे, जिनकी आवाज़ मिलती जुलती रहेंगी उसको राइमिंग कहेंगे, राइट। लेकिन जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे काला और सफ़ेद, दोनों तुम तसव्वुर करो, इमेजिन द कलर वाइट एंड ब्लैक, तो तुमको समझ में आएगा कितना ज़्यादा डिफरेंट है, राइट। ऐसे बहुत सारे अल्फाज अंग्रेज़ी में होते हैं, और ना सिर्फ अंग्रेज़ी, नॉट ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट यू विल सी अपोजिट वर्ड इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की किसी भी जबान में तुमको अपोजिट वर्ड देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू किया जाए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, माई डियर स्टूडेंट्स, वी विल रीड अलाउड सो मैनी अपोजिट वर्ड्स। हम पहले आवाज़ बुलंद बहुत सारे जिदे अल्फाज और जिदे पढ़ेंगे, फिर उन पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम ये देखेंगे कि स्कॉलरशिप इम्तिहान में अपोजिट वर्ड्स पर कैसे अल्फाज पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? तमीज समझ में आई? डिड यू गेट द इंट्रोडक्शन, यस और नो? यस सर। जरा समझ में आना चाहिए ऐसे बोलने का, जोर से, मतलब मुझे एहसास होना चाहिए कि जो मैंने कहा
वो बच्चों तक पहुंचा, राइट। अपोजिट वर्ड्स को इंग्लिश में एंटोनिम्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो जोर से, एंटोनिम्स। एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड, यानी जिद, यानी एक दूसरे के उलट, एक दूसरे, ए बेटा, एक दूसरे के उलट। तो हम बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स देखेंगे। सबसे पहले यहां पर बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स आने वाले, ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगा और तुम लोग पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ना, एक आवाज में पढ़ना, आगे पीछे मत पढ़ना। हाँ पढ़ो, ओपन, क्लोज। अगर मैं इशारा करके बताऊं तो देखो, ये मान लो यहाँ पे एक डोर है, यहाँ पे एक दरवाजा है, तो ये हमने उसको ओपन किया, ये क्लोज किया, ये ओपन, ये क्लोज, क्या हुआ मतलब? हाँ, ओपन यानी खोलना एंड क्लोज यानी बंद। क्लोज करने को शट करना भी बोलते हैं, मैंने पिछले पीरियड में बताया था, याद आया, शट यानी, और उसी से कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं जब बंद करते, तो शट डाउन यानी बंद कर दिए, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखो, फास्ट, स्लो, एक दूसरे के उलट है। फास्ट यानी बहुत तेज और स्लो यानी धीरे। रैबिट और टॉर्टोइस की कहानी याद करो, रैबिट कैसा था, फास्ट था कि स्लो था? फास्ट। टॉर्टोइस कैसा था, फास्ट या स्लो? स्लो, राइट, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कोल्ड, हॉट, ठंडा, गरम, राइट, ठंडा गरम, समझ में आ गया ना, एक दूसरे के अपोजिट है, एंटोनिम है। राइज, सेट, क्या वो मतलब, ये सन है, बहुत बढ़िया बेटा, तमाम बच्चे साथ दो मेरा, सब मेरे साथ रहो, सिर्फ माज ऐसा लग रहा मेरे सामने बैठा है, बाकी बच्चे सिर्फ आंखें फाड़ के देख रहे हैं। देखो ये सन है, ये सूरज है, ये सन राइज हुआ, अब ये गया, सन सेट हो गया, क्या वो मतलब, उर्दू में बहुत बढ़िया लफ्ज है, सूरज निकला, सूरज डूबा, और अच्छे से उर्दू में क्या बोलेंगे इसको, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो वहां लिखा रहता है टाइम उसका, बहुत अच्छे। तुलू ए आफ्ताब, तुलू यानी निकलना, आफ्ताब यानी सूरज, गुरूब ए आफ्ताब यानी, गुरूब यानी डूबना, और आफ्ताब यानी, तो राइज और सेट याद रहेगा। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते बेटा, देखो इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज, इट इज नॉट अवर मदर टंग, तो राइस को हम राइस समझ लेते, कौन से वाला राइस, चावल वाला, लेकिन वो कब रहेगा, जब यहाँ सी रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। सेट के भी दो मतलब है, सेट होना यानी डूबना, बराबर, सेट होना यानी किसी चीज़ का ग्रुप, जैसे मेरे पास में कुछ चीज़ें हैं, मेरे पास मान लो बहुत सारी पेन है, तो मैं बोल सकता ना सेट ऑफ पेन, तो सेट यानी ग्रोह, ग्रुप, याद रहेगा। राइस और सेट समझ में आया। नेक्स्ट बोलो, बिग, दिस इज बिग, स्मॉल, देखो मैंने मतलब नहीं बताया फिर भी तुमको समझ में, मैंने मतलब नहीं बताया फिर भी समझ में आया, आया ना अजीम, यहीं पे पढ़ाई शुरू बेटा, कहीं और है क्या तू, यहीं है ना तू। ट्रू, फॉल्स, इसको इशारे में कैसे बताएंगे, ट्रू फॉल्स, हाँ हाँ, ट्रू यानी ये ऐसे बोल सकते, ट्रू और ये फॉल्स, गलत, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट, एंड, आई स्टार्टेड द लेक्चर एंड इश्तियाक सर एंडेड द लेक्चर, हाँ हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड, मैंने शुरू किया और इश्तियाक सर ने एंड किए यानी खत्म किए, समझ में आई बात, स्टार्ट और एंड याद रहेगा। डीप, शैलो, क्या हुआ इसका मतलब, डीप यानी बहुत गहरा, नीचे यानी बहुत गहरा, डीप, समंदर बहुत डीप होता है, बहुत गहरा होता है, और शैलो यानी उथला हुआ, मतलब जो अपने छोटा सा नाला है, नदी है छोटी सी, तो उसके हम नीचे देख सकते हैं, उसकी जो तय है, जो जमीन है ना, तो उसको बोलेंगे शैलो, क्या बोलेंगे, उर्दू में बहुत अच्छा लफ्ज है उथला, याद रहेगा, बोलो डीप, शैलो, ठीक है। आगे बढ़ते, अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत आगे जाना है। स्ट्रांग, वीक, वीक, स्ट्रांग का उलट वीक, कमजोर,
स्ट्रॉन्ग तो तुमको याद रहेगा, मुझे पता है, आई नो दैट यू विल रिमेंबर, यू विल डेफिनेटली रिमेंबर द वर्ड स्ट्रॉन्ग, लेकिन तुम वीक में कंफ्यूज हो सकते हो, ये मैं बोल रहा हूँ. उफेरा, लुक एट द स्क्रीन एंड लुक एट मी, डोंट राइट एनीथिंग, आई विल गिव यू पेपर टू राइट, ओके. वीक में तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे? अगर मैंने ये ए हटा दिया बेटा और डब्ल्यू ई ई के लिख दिया, यानी वीक, तो वीक का मतलब होता है हफ्ता, वीक का मतलब होता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है तुमको. ऑप्शन में यकीनन वो वाला वीक दिया जाएगा, मतलब लिखा रहेगा स्ट्रांग का अपोजिट वर्ड लिखो, और ऑप्शन में दो वीक लिखे रहेंगे, एक ये वाला वीक और एक वो हफ्ते वाला वीक. अजीम, तो कौन सा वीक सिलेक्ट करेंगे? ये याद रखना, ये कमजोर वाला है, वो हफ्ते वाला है. आगे, होप, डिस्पेयर, होप यानी उम्मीद, और डिस्पेयर यानी ना उम्मीद. उम्मीद का मतलब क्या होता? देखो, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है ऐसा सोचना, उसको बोलते हैं उम्मीद, उम्मीद बांधना, राइट. और कोई सोच रहा है नहीं यार, कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला है, स्कॉलरशिप बड़ा मुश्किल इम्तिहान है, कितनी भी पढ़ाई करके जाओ हम तो फेल होने वाले हैं. तो ये होप की मिसाल है कि डिस्पेयर की मिसाल है? डिस्पेयर. तुमको कैसा रहना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए या डिस्पेयर रहना चाहिए? होपफुल. वेरी गुड. कहा जाता है ना कि नाउम्मीदी कुफ्र है, कहा जाता ना ऐसा. और क्या कहा जाता है उम्मीद के बारे में? उम्मीद पर दुनिया कायम है. हाँ, ठीक है, ठीक है. लिटिल, बिग. देखो, मैंने स्मॉल बताया था तो ऐसे बताया था, मैंने लिटिल बताया तो ऐसे बताया. क्यों? क्योंकि स्मॉल से भी छोटा अगर कुछ है तो दैट इज लिटिल, और बिग तो मतलब हमको पता है बड़ा. बिग को और क्या बोलते? ह्यूज, बड़ा, जाइगेंटिक, बड़ा. ये सब लफ्ज याद रहने चाहिए. बिग यानी बड़ा, ह्यूज यानी बड़ा, जाइगेंटिक यानी बड़ा. याद रखना ये सब. हाँ, गो, कम, गो, कम, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. लेफ्ट, राइट, तुम्हारा लेफ्ट हैंड बताओ मुझे, शो मी योर लेफ्ट हैंड, इधर वाला, वेरी गुड. शो मी योर राइट हैंड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हाथ बांधो, फोल्ड योर हैंड्स. हम खाना राइट हैंड से खाते हैं या लेफ्ट हैंड से खाते हैं? राइट हैंड से. ऐसे अच्छा, राइट का एक मतलब और है, सही. तो अगर राइट का अपोजिट पूछा जाए और वहां पर रॉन्ग लिखा हो तो वो भी सही जवाब रहेगा, और दोनों ऑप्शन कभी एक साथ नहीं आएंगे. मेरी बात समझने की कोशिश करो, राइट के अपोजिट में कभी भी लेफ्ट और रॉन्ग दोनों लिखा नहीं रहेगा. अगर दोनों लिखा रहा तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, लेकिन स्कॉलरशिप इम्तिहान में ऐसा नहीं होगा. आगे बढ़ेंगे. हार्ड, सॉफ्ट, बोलो. स्टोन यानी पत्थर, तो कैन यू टेल मी द स्टोन इज हार्ड और सॉफ्ट? हार्ड. अब मैं जो है, मेरे पास कॉटन है, कॉटन, कपास, तो कॉटन इज हार्ड और सॉफ्ट? सॉफ्ट. ऐसे समझ में आना चाहिए. हाँ, तुम जहां पर बैठे हो नीचे हाथ लगाओ, दैट इज हार्ड और सॉफ्ट? सॉफ्ट. अगर तुमको बाहर जमीन पर बैठा दिया जाए तो दैट विल बी हार्ड और सॉफ्ट? हार्ड. ओके ओके. स्मूद, रफ, स्मूद यानी, नहीं नहीं नहीं, स्मूद यानी चिकना, और रफ यानी खड़बुड़ा. ये कौन सा लफ्ज है? खुरदरा, खुरदुरा, खुरदुरा, है ना, ठीक है. टॉप, बॉटम, समझ गए. टॉप यानी ऊपर, और बॉटम यानी नीचे, तह. आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज है. फिर से आ गया बिग, स्मॉल, क्राई, लॉफ, हंसना और रोना. तो क्राई यानी हंसना या रोना? रोना. और लॉफ यानी हंसना. हंसना. तुम मुझे हंस के बता सकते? स्टार्ट लॉफिंग. ऐसे हंसना था यार, ये क्या मतलब? एक बच्चा तो क्राइंग कर रहा है पीछे. क्राई यानी रोना, और लॉफ यानी, अब जरा लॉफ की स्पेलिंग देखो जल्दी से, बहुत ही प्यारी स्पेलिंग है, तो उसको लॉग पढ़ना चाहिए था देखा जाए तो, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे उसको?
लाफ, ऐसे ही पीछे एक लफ्ज आया था, देखो मैं पीछे जाके बताना चाहता हूं तुमको, ये देखो रफ लिखा हुआ तो क्या है ये जी और एच, इसको हम घो पढ़ेंगे, हम जब घर लिखेंगे तो जी एच ए आर लिखेंगे, तो रोग या रग नहीं पढ़ेंगे बल्कि रफ पढ़ेंगे। तो यू जी एच की आवाज क्या है, फो, क्या है, याद रहेगा सबको, एकदम बारीक बारीक बातें बता रहा हूं बेटा, ठीक है, क्राई और लॉफ हो गया, थिन थिक, थिन थिक, समझने की कोशिश करो, थिन यानी पतला, थिक यानी मोटा, थिन और थिक, थिन और थिक, याद रहेगा सबको, मिलता जुलता है, देखो इसमें भी थी है, इसमें भी थी है, इसमें यहां न है, यहां पे क है, थिन थिक, याद रहेगा सबको। अजीम भैया, बिगिन एंड, इसको हमने पहले बोले थे स्टार्ट और एंड, या स्टार्ट और स्टॉप, बिगिन और एंड सब एक ही मतलब है। आगाज, बिगिन करना यानी आगाज, और आगाज करना यानी शुरू करना, आगाज करना यानी क्या बेटा, पीछे आगाज करना यानी क्या करना, कागज काटना फाड़ना, आगाज करना यानी क्या करना, कागज, आगाज, बिगिन याद रखो, और एंड यानी, अच्छा एंड के लिए एक इंग्लिश में बहुत प्यारा लफ्ज है, चाहे तो याद रख सकते तुम, टर, अरे भाई, अरे यार दादा इधर देख ले यार, तीन बार बोल दिया अजीम, तेरी मेहनत मेरी तेरे ऊपर जारी पूरी यार, अजीम अजीम अजीम, सिर्फ नाम का अजीम है क्या तू, काम तेरे अजीम नहीं दिख रहे मुझे, काम बड़े अजीब दिख रहे तेरे मुझे। देखो बेटा मैं बता रहा था एंड को इंग्लिश में और क्या कहते, एंड को इंग्लिश में कहते, सुनो गौर से, टर्मिनेट, बड़ा मस्त लफ्ज लगता मुझे, टर्मिनेट यानी खत्म करना, टर्मिनेट करना यानी एंड करना, खत्म करना, ठीक है। आगे गुड बैड, अच्छा बुरा, ऐसे हम बता सकते हैं ना, गुड, लाइक डिसलाइक, बैड ऐसे हम बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट, स्लो धीरे धीरे, क्विक, क्विक को हम क्या बोले थे पहले, क्या बोले थे हमने, फास्ट, फास्ट बोलो चाहे क्विक बोलो चाहे रैपिड बोलो, रैपिड कितना अच्छा लफ्ज है, रैपिड क्विक फास्ट, तीन लफ्जों बता दिया, ठीक है। आगे नैरो वाइड, हमारे मोहल्लों में नैरो गलियां होती है, पतली गली, वेरी गुड, और वाइड यानी नेशनल हाईवे जो होता है, नेशनल हाईवे वो नैरो होता है या वाइड होता है, वाइड, कौमी शाहरा, हमारे दुलिये से कौन सी कौमी शाहरा गुजरती है, विच नेशनल हाईवे पासेस थ्रू आवर सिटी दुले, नेशनल हाईवे नंबर 3, याद रखना जनरल नॉलेज, प्रेटी अगली, प्रेटी यानी ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल यानी खूबरू खूबसूरत, और अगली यानी बदसूरत, याद रहेगा, प्रेटी वुमेन सुने होंगे तुमने, प्रेटी वुमेन सुने कि नहीं, अगली बदसूरत, याद रहेगा सबको। आगे बढ़ू, चलो ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पुश पुल, एक चीज मैं बता दूं आपको, हम जब भी कोई दुकान में जाते हैं और वहां पर दरवाजे पर डोर पर, बैंक में दुकान में शॉप में मॉल में कहीं भी, हम लोग ऑफिस में, ऑफिस में तो वहां डोर होता है, डोर दरवाजा, और उस पर पुश और पुल लिखा होता है, चाहे हमको कितनी भी इंग्लिश आ जाए, अरे हाँ यार भाई, चाहे हमको कितनी भी इंग्लिश आ जाए, पुश यानी हमको पता है धक्का देना और पुल यानी खींचना, तो भी हम दरवाजे के पास जाकर एक बार सोचते कि क्या करूँ, खींचू के ढकेलू, कितना भी हमको पता हो कि पुल करना पुश करना उसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी हम वहाँ जाके एक बार सोचते कि मैं क्या करूँ, खींचू के धक्का दूँ, और कभी कभी तो गलती भी हो जाती, पुल करने का रहता हम वहाँ पुश कर देते, और जहाँ पुश करने का रहता मतलब धक्का देने का, वहाँ खींचते रहते और दरवाज़ा खुलता ही नहीं, तो आप आइंदा ऐसा ना हो, याद रखो। वैसे तुम होशियार है भैया, तुम्हारे से ऐसी गलती नहीं होंगी, हमसे हो जाती है ऐसी गलती, लेकिन बोलो पुश पुश पुल, याद रहेगा इशारे से, टॉल
ड्वार्फ, कितना अच्छा लफ्ज है ड्वार्फ। टॉल यानी लंबा, ड्वार्फ यानी नाटा। ड्वार्फ को शॉर्ट भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शॉर्ट, टॉल। अभी क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन एक आएगा उसमें शॉर्ट लिखा रहेगा, ड्वार्फ नहीं रहेगा। टॉल यानी लंबा और ड्वार्फ यानी, मैं टॉल हूं या ड्वार्फ हूं तुम्हारे सामने खड़ा हूं बताओ? ड्वार्फ, शॉर्ट। ठीक है ठीक है, फिर से आ गया, देखो वो यहीं पे आ गया, टॉल और शॉर्ट, है ना, मतलब वो ये टॉल और ड्वार्फ बोलो एक दूसरे के जिद, लंबा और नाटा या छोटा या बौना, बौना क्या बोलेंगे? टॉल और शॉर्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट जहां से सूरज निकलता है, वेस्ट जहां पर सूरज डूबता है। मेरे से खुद एक गलती हुई यहां बनाने में, कभी भी सिमतों के नाम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल ही होता है, ये याद रखना। सिमतों के नाम हम जब भी लिखेंगे, व्हेनेवर वी राइट द नेम ऑफ डायरेक्शन, द फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल। हाँ, ये गलती यहां पे है, उसको तुम दिमाग में दुरुस्त करो। द ग्रेट मैन अजीम, नाउ यू विल गो आउट ऑफ द क्लास। बेटा पांच बार बोल, नहीं इसके बाद तू बाहर जाएगा, अभी बहुत आगे जाना है अपने को, तू तो यहीं पे अटक जा रहा। ईस्ट जहां से सूरज निकलता उसको बोलते मशरिक, वेस्ट यानी जहां सूरज उसको बोलते मगरिब। वेस्ट में तीन चार चीजें है, वेस्ट में एक वेस्ट होता है WASTE, वेस्ट करना यानी जाय करना, वेस्ट करना यानी, तो वो वेस्ट और ये वेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है, तुमको ऐसा ही कंफ्यूज किया जाएगा स्कॉलरशिप इम्तिहान में, ऐसे ही कंफ्यूज किया जाएगा तुमको। नॉर्थ, साउथ, शुमाल, जुनूब, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। हिमालय पहाड़ कहां पर है? हमारे मुल्क भारत के कौन सी सिमत में हिमालय पहाड़ है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ, बताओ, सोचो। साउथ में है, और सोचो। नॉर्थ में है, ये तो बहुत कमजोर बच्चे दिख रहे हैं यार मुझे। नॉर्थ बोल दिए तुमने, वेस्ट में, ये मुझे लग रहा है, हो सकता है, और सोचो और बोलो। ईस्ट में, हाँ, ये अब समझदारी की तरफ बढ़ रहे तुम लोग, अब समझदार बन गए तुम, बता दूं सही जवाब? हाँ, हिमालय पहाड़ इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री। अब तुम बोलेंगे सर तुम, हमने तो सही जवाब दिए थे तुमने, तो यही तो मुझे मजा आता है ना इसमें, तुम अगर सही जवाब देंगे तो मैं तुमको भटकाऊंगा, तुमको कंफ्यूज करूंगा, तो वहां तुमने क्या करना चाहिए? ताली बजाओ बे यार, बहुत बढ़िया। वहां तुमको कायम रहना है, इस्तेकामत बताना है कि नहीं हमारा जवाब सर हिमालय नॉर्थ में ही है, समझ गए ना, याद रखना। अप डाउन, इन आउट, जैसे अगर अजीम हमारा कंट्रोल में नहीं आया अभी, मान लो अजीम द ग्रेट, तो ही विल बी आउट ऑफ द क्लास, ही विल डेफिनेटली बी आउट ऑफ द क्लास। और तुम लोग अभी क्लास के इन हो या आउट हो? इन, यू आर इन द क्लास, वी आर इन द क्लास, ओके ठीक है। इजी, डिफिकल्ट, इजी यानी आसान और डिफिकल्ट यानी मुश्किल। इजी के बारे में एक अंग्रेजी में बड़ी बढ़िया कहावत है, जो चीज एकदम आसान रहती ना, एकदम सरल, उसको इंग्लिश में बोलते इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, यानी एकदम किरकोल, एकदम आसान, ठीक है। तो भैया अब ये बहुत सारे राइमिंग वर्ड है, सिर्फ एक बार पढ़ के हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब जल्दी से हमको सवाल शुरू करना है, ठीक है, आधा टाइम हो गया है। पढ़ो, नेवर, कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा, लेट, देर से, अर्ली, जल्दी, मतलब बताओ या आगे बढ़ जाओ ऐसी बोल के, क्योंकि टाइम मुझे लग रहा फिर कम पड़ जाएगा। लेस, मोर, मेल, फीमेल, हैप्पीनेस, सैडनेस, फास्ट, स्लो, ये अपना हो गया है ना। ओल्ड, यंग, बॉय, गर्ल, बॉयज, गर्ल्स। अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, रिच, पुअर, लव,
hate. Inside. Outside. Bad. Good. Short. Tall. हुआ तो अपना ये. Close. Open. Man. Women. कैसे पढ़ा मैंने याद रखो है. Dim. Bright. Melt. Freeze. बड़ा प्यारा लफ्ज है. Melt पिघलना. Freeze जमना. Total. Partial. क्या पढ़ा मैंने लोगों को. Partial. Here. There. Never. Always. Tight. Loose. Huge. Tiny. Huge. Tiny. Normal. Strange. Little. Much. In. Out. Hot. Cold. Soft. Hard. Stop. Move. Begin. Finish. Visible. Invisible. बढ़िया लफ्ज है. मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ मतलब मैं विजिबल हूँ. हवा तुमको दिखाई दे रही है तो वो इनविजिबल है. अलाइव. डेथ. नॉर्थ. साउथ. क्लेवर. स्टूपिड. बिफोर. आफ्टर. स्वीट. सोर. एटलीस्ट तुमको पढ़ना तो आए मतलब तो हम समझेंगे. कई मतलब मैंने बता दिया. इंक्रीज. रिड्यूस. चाइल्ड. एडल्ट. थिक. थिन. ये हमारा हो गया. वेट. ड्राई. सनी. क्लाउडी. चीप. एक्सपेंसिव. जो नहीं पढ़ रहा पढ़ो पढ़ो पढ़ना सीखो. कहाँ तक हुआ. इंटरेस्टिंग. बोरिंग. एक जरा मुश्किल सवाल पूछ लेता मैं मेरे लिए. हाँ मेरा सवाल है ये कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है. सच्ची सच्ची बोलो. बोर हो रहे तुम लोग. मैनी. फ्यू. यूजफुल. यूजलेस. चलो भैया पहला सवाल हमारे सामने आ गया है. वो विल रीड.